हेलो गाइस, वेलकम टू द माइनिंग ज्ञान। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीएमआर 2017 का चैप्टर नंबर 8, वाइंडिंग इन शाफ्ट्स के टॉप 10 क्वेश्चंस देखने, जो कि डब्ल्यूसीएल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी तक आपने माइनिंग ज्ञान का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से जल्दी से डाउनलोड करके आप बहुत सारा चीजें सीख सकते हैं, वहां से बहुत सारे स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स वगैरह अटेंड कर सकते हैं और टेस्ट भी दे सकते हैं और आपकी अच्छी खासी तैयारी हो सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें कि पूछता है कि नोटिस ऑफ न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन इज टू बी सेंड टू रीजनल इंस्पेक्टर। ठीक है, जो वाइंडिंग इंजन का नोटिस है ना, आपको जब भी मतलब वाइंडिंग का नया इंस्टॉलेशन करना है या फिर कोई भी वाइंडिंग इंजन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी करना होता है, तो उस केस में क्या होता है कि हमें नए वाइंडिंग इंजन के इंस्टॉलेशन के केस में एक नोटिस भेजना होता है रीजनल इंस्पेक्टर को, चीफ इंस्पेक्टर को। ठीक है, तो ये जो नोटिस है ये हमें कितने दिन पहले भेजना होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 60 डेज बिफोर यूज, या फिर 45 डेज बिफोर यूज, या फिर 90 डेज बिफोर यूज, या फिर 120 डेज बिफोर यूज। तो कितने दिन पहले आपको नोटिस भेजना होगा, मतलब जिस दिन आप यूज करना चाह रहे हैं वाइंडिंग इंजन को, उसके इंस्टॉलेशन के कितने दिन पहले आपको भेजना होगा। ठीक है, नोटिस, तो ये चीज आपको यहाँ पे बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 60 डेज बिफोर यू, 60 दिन पहले आपको नोटिस भेजना होगा। ठीक है, तो ये चीज आप याद में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें ये बोलता है ऑटोमेटिक कॉन्ट्रवेंस ऑन अ मैन वाइंडिंग शाफ्ट शुड लिमिट द स्पीड ऑफ लैंडिंग टू नॉट मोर देन। बोल रहा है कि जो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रवेंसेस है, मतलब ऑटोमेटिक जो सेफ्टी डिवाइसेस लगे हुए वाइंडिंग शाफ्ट में है ना, तो उसमें मैन वाइंडिंग शाफ्ट में जो ऑटोमेटिक डिवाइसेस लगे हैं, तो उसमें जो लैंडिंग के पहले जो स्पीड की लिमिट होनी चाहिए इनके द्वारा जो सेट की जाती है ऑटोमेटिक कॉन्ट्रवेंसेस के द्वारा, वो आखिर स्पीड कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए लैंडिंग के पहले। ठीक है, लैंडिंग स्पीड आखिर कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो चीज आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो लैंडिंग की स्पीड कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1.2 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर 1.5 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर 1.6 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर 1.0 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1.5 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए लैंडिंग के पहले। ठीक है, जो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रवेंसेस है उसकी स्पीड घटा के कितनी कर दें, 1.5 मीटर पर सेकेंड कर दें, है ना, या उससे कम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि बोलता है व्हेन पॉइंट फिक्स्ड ऑन इंडिकेटर ऑफ इंजन शोज द केज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ ट्वाइस द ड्रम सर्कमफेरेंस, वाइंडिंग इंजन इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ केज नॉट टू एक्सीड। ठीक है, इसमें ये बोलता है कि इंजन में, इंजन जो है तो वो केज एक इंडिकेटर लगा होता है, उसमें एक इंडिकेटर में क्या होता है, एक पॉइंट फिक्स होता है। उस फिक्स पॉइंट में जब इंजन शो करता है कि हाँ आपका केज पहुंच चुका है, इंडिकेटर में शो करेगा कि हाँ इस पॉइंट पे आपका केज पहुंच चुका है, और ये जो डिस्टेंस है, जो बची हुई डिस्टेंस है, अब आपका जो केज की स्पीड है वो आपको कंट्रोल करनी है किस बची हुई डिस्टेंस में। अब ड्रम में जो बोलते हैं जो रोप है वो ट्वाइस द ड्रम सरकमफ्रेंस है। ठीक है, ड्रम के सरकमफ्रेंस से दुगनी डिस्टेंस बची हुई है। ड्रम का सरकमफ्रेंस मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपका ड्रम है, तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है कि भैया यहां से मैंने ये डिस्टेंस मेजर की, यहां से ऐसे मेजर करते 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 वापस से आ गया। ठीक है, फिर एक राउंड फिर से एक बार फिर से डिस्टेंस मेजर की, तो दोनों को ऐड किया तो जो टोटल डिस्टेंस आई है, दोनों को ऐड करने पे जो टोटल डिस्टेंस आई है वो टोटल डिस्टेंस बची हुई है। अब उतनी डिस्टेंस जो है, बची हुई डिस्टेंस जो है, तो केज की स्पीड को क्या करेगा, वो इंडिकेटर के बाद आपको वाइंडिंग इंजन मैन की जिम्मेदारी है कि केज की स्पीड को कंट्रोल करे। तो केज की स्पीड आखिर कितनी करनी है ना, तो कितनी होनी चाहिए ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1.2 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, या फिर 1.5 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, या फिर 1.6 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, या फिर 1.8 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। देखिए, अब इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक तो वो हो गया जहां पे ऑटोमेटिक कॉन्ट्रवेंसेस जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा
वो कंट्रोल करते हैं, तो वो कितने स्पीड पे लाके खड़ा कर देंगे, वो 1.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे लाके कर देते हैं, ठीक है। अब वाइंडिंग इंजन मैन की क्या जिम्मेदारी बनती है कि जब इतना डिस्टेंस बचे ड्रम के सरकमफ्रेंस से दुगना, है ना, ड्रम के सरकमफ्रेंस का दुगना डिस्टेंस जब बचे, दूरी बचे कहीं पे लैंड करने से पहले, तो जो केज की स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, 1.2 मीटर पर सेकंड या उससे कम करने की जिम्मेदारी किसकी है, वाइंडिंग इंजन मैन की है, ठीक है। तो ये इंडिकेटर के थ्रू वहां पे वो एक इंडिकेटर लगा के रखेंगे कि हाँ अब इतनी डिस्टेंस बची है, ट्राइज द ड्रम सरकमफ्रेंस, अब इतनी डिस्टेंस हमें 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से करना है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि ये पूछता है नंबर ऑफ पर्सन्स टू राइड इन अ केज इज फिक्स्ड बाय, एक केज में कितने लोग राइड करेंगे ये कौन फिक्स करके बताएगा, कौन बताएगा कितने लोग राइड करेंगे, ठीक है। एक केज में कितने लोग बैठेंगे या खड़े होंगे जो भी है, तो कितने लोग करेंगे ये कौन बताएगा, इंजीनियर बताएगा या फिर मैनेजर बताएगा या फिर चीफ इंस्पेक्टर बताएगा या फिर रीजनल इंस्पेक्टर बताएगा, आपको यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको चूज करना है। तो यहाँ पे आपको कौन बताएगा, यहाँ पे आपको मैनेजर बताएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है तो करेक्ट आंसर है। मैनेजर जो है तो फिक्स करता है कि कितने पर्सन एक केज में राइड करेंगे, ठीक है। एक चीज और याद रख सकते हैं, वो भाई धीरे धीरे थोड़ा बहुत और भी देख लेते हैं कि भाई जितने लोग राइड करेंगे पर पर्सन कैसे डिसाइड करता है, पर पर्सन कितना एरिया फ्लोर का कवर करेगा, 0.2 मीटर स्क्वायर का एरिया, मीटर स्क्वायर का एरिया जो है तो एक आदमी कवर करेगा, इस हिसाब से जो है तो मतलब केज का ये फ्लोर है तो एक आदमी 0.2 मीटर स्क्वायर इतना एरिया कवर करेगा, वैसे ही वो डिसाइड कर लेगा कितने आदमी एक केज में राइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली इतना मान के चला जाता है ना, 0.20 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि ये पूछता है कि सस्पेंशन गियर इज टू बी एग्जामिन्ड बाय इंजीनियर और अ कॉम्पिटेंट पर्सन वंस एट लीस्ट इन एवरी, सस्पेंशन गियर का जो है तो एग्जामिनेशन किसी कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा होना चाहिए, फिर किसी इंजीनियर द्वारा होना चाहिए, ये कितने समय में होना चाहिए, है ना, कितने समय में होना चाहिए सस्पेंशन गियर का एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आपको ये चीज बतानी है, ठीक। तो इसके ऑप्शंस हैं आपके पास 24 घंटे में या फिर 7 दिन में या फिर 10 दिन में या फिर 15 दिन में, कौन सा आंसर करेक्ट होगा, आप ऑप्शंस में चूज कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 आवर्स, ठीक है, 24 घंटे में एक बार जो है तो इंजीनियर या फिर कॉम्पिटेंट पर्सन की जिम्मेदारी है कि जाके सस्पेंशन गियर को चेक करें, या आप रेगुलेशन नंबर 88 में देख सकते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कि बोलता है केज चेन्स एंड सस्पेंशन गियर आर टू बी थरली एग्जामिन्ड वंस एट लीस्ट इन एवरी, केज चेन्स हो गए या और जो सस्पेंशन गियर हो गया, इनका जो एग्जामिनेशन है बहुत ही थॉरो मतलब बहुत ही डीप एग्जामिनेशन होना चाहिए, लेकिन कितने दिन में एक बार होना चाहिए, तो 15 दिन में या फिर 6 महीने में या फिर 30 दिन में या फिर 3 महीने में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा 6 महीने में, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी केज चेन्स होती हैं या फिर सस्पेंशन गियर के जो पार्ट्स होते हैं और डिटैचिंग हुक हो गया, इन सबको हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, पूरा का पूरा बाहर निकाल लेते हैं और फिर इनको अच्छे से साफ किया जाता है, केयरफुली एग्जामिनेशन किया जाता है कि कहीं इनमें वियर एंड टीयर तो नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें की जाती है और ये सारी चीजें कितने देर, कहीं जंग तो नहीं लगा, क्रैक्स तो नहीं आ गए, तो ये सारी चीजें हम कितने महीने में एक बार चेक करते हैं, 6 महीने में एक बार हम चेक करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि ये बोलता है डिटैचिंग बेल्स और प्लेट्स इन शाफ्ट्स आर टू बी एग्जामिन्ड एंड ओपनिंग चेक्ड बाय कैलिपर्स और गेजेस वंस एट लीस्ट इन एवरी, जो डिटैचिंग बेल्स होती हैं, जो प्लेट्स होती हैं, डिटैचिंग प्लेट्स जो होती हैं शाफ्ट में, इनका एग्जामिनेशन जो है तो कैलिपर्स या फिर गेजेस के द्वारा कितने दिन में एक बार होना चाहिए, ठीक है। तो कितने दिन में एक बार होना चाहिए, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 15 डेज, ऑप्शन नंबर बी 30 दिन, ऑप्शन नंबर सी 45 डेज एंड ऑप्शन नंबर डी 60 डेज में होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी,
30 डेज में एक बार होना चाहिए। ये आपको जस्ट जहां पे मतलब आपको 86 रेगुलेशन का भी मैंने पिछला क्वेश्चन बताया उसके जस्ट नीचे सब रेगुलेशन 4B में आपको ये क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो किसी कोई डाउट हो तो वहां से ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें को बोलता है डिटैचिंग हुक इन अ मैन वाइंडिंग शाफ्ट इज टू बी टेकन अपार्ट क्लीन एंड केयरफुली एग्जामिन फॉर वियर एंड टियर एटलीस्ट वंस इन एवरी 6 मंथ। ये तो हम जान गए कि भैया डिटैचिंग हुक जो है मैन वाइंडिंग शाफ्ट में उसको हम निकालेंगे, साफ करेंगे और केयरफुली एग्जामिन करेंगे कहीं उनमें वियर एंड टियर तो नहीं हुआ, मतलब कहीं चीड़ फाड़ तो नहीं हो गई उनमें। कितने दिन में एक बार चेक करते हैं? 6 महीने में एक बार करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर शाफ्ट सिंकिंग का केस है, अगर शाफ्ट सिंकिंग हो रही है तो दिस इज टू बी डन एटलीस्ट वंस इन एवरी। तो शाफ्ट सिंक, लेकिन शाफ्ट सिंकिंग के केस में कितने दिन में एक बार करेंगे या फिर कितने समय में करेंगे एक बार, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 3 मंथ्स में करेंगे, मंथ 1 महीने में हर महीने करेंगे, या फिर 14 दिन में एक बार करेंगे फोर्टनाइट मतलब, या फिर चौथा ऑप्शन है वीक में एक बार करेंगे, हफ्ते में एक बार करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा कि भैया नॉर्मली हम 6 महीने में एक बार करते हैं, लेकिन शाफ्ट सिंकिंग के केस में हम हफ्ते में एक बार जरूर करना कंपलसरी है ये काम। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें बोलता है कि कंडीशन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल पार्ट्स ऑफ वाइंडिंग इंजन शैल बी एग्जामिन्ड रेस्पेक्टिवली वंस एट लीस्ट इन एवरी। वाइंडिंग इंजन के जो एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल मतलब बाहरी पार्ट्स और इंटरनल मतलब अंदर के जो पार्ट्स हैं वाइंडिंग इंजन के, उनका एग्जामिनेशन कितने दिन में एक बार होना चाहिए या फिर कितने समय में एक बार होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको ये चीज बतानी है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, 7 दिन में और 12 महीने में, मतलब कि एक्सटर्नल का और इंटरनल का अलग अलग है, तो एक्सटर्नल के लिए आपको ये वाला पहला ऑप्शन होगा और इंटरनल के लिए दूसरा वाला ऑप्शन रहा करेगा। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। चलिए 15 दिन या और 6 महीने, या फिर 3 दिन या 3 महीने, या फिर 3 दिन और 12 महीने में एक बार होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि एक्सटर्नल पार्ट्स का हम 7 दिन में एक बार करते हैं, एक्सटर्नल पार्ट्स का 7 दिन में एक बार होना चाहिए। एक्सटर्नल पार्ट्स में आपके क्या क्या आ जाते हैं, आपका रोप आ जाता है, वाइंडिंग रोप आ जाता है जिसकी स्पीड जो है 1 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपके एक्सटर्नल पार्ट्स में गाइड्स आ जाते हैं, सिग्नलिंग अरेंजमेंट्स आ जाते हैं जो कि शाफ्ट में फिट रहते हैं। ठीक है, इनका जो है तो आपका 7 दिन में एक बार होता है। और अगर हम इंटरनल पार्ट्स की बात करें तो वाइंडिंग इंजन में जितने भी इंटरनल पार्ट्स होते हैं तो उनका 12 महीने में एक बार क्या होता है, एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। हम वाइंडिंग इंजन की बात कर रहे हैं, सस्पेंशन गियर का अलग था, सस्पेंशन गियर का भी हमने देखा, उसमें आपको 6 महीने और पर वीक का भी था और आपका कितने दिन 30 दिन वाला भी था, हर एक चीज का अलग अलग था। ठीक है, तो हर एक पार्ट्स का अलग अलग आपको याद होना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 7 डेज एंड 12 मंथ्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, Which parts of winding installation are examined once at least in every 7 days? Winding installation के कौन से parts जो हैं 7 दिन में एक बार examine किए जाते हैं? देखिए अब यहाँ पे question को थोड़ा सा पलट दिया है ना, कि अब आपसे parts पूछ रहा है कि 7 दिन में एक बार कौन से winding engine के winding installation के कौन से parts examine किए जाते हैं। तो एक तो आप directly बोल सकते हो ये external parts है ना, हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया। दूसरा चीज क्या होता है, आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिया कि भैया सिग्नलिंग अरेंजमेंट है, ऑप्शन नंबर बी गाइड्स है, ऑप्शन नंबर सी एक्सटर्नल पार्ट्स और वाइंडिंग इंजन है, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ईच रोप बाय रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड है ना, या फिर ऑल ऑफ द अबाउ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो भैया इसमें तो सारे ऑप्शन करेक्ट है, देयरफॉर ऑल ऑफ द अबाउ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मेरे पास इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कैसा लगा वीडियो और क्या क्या और अच्छे मैं आपके लिए प्रोवाइड करा सकता हूं, ये भी चीज आज मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।